Good morning and welcome back to our channel. By the way, I don't know कितने दिनों बाद मैं vlogging कर रही हूँ. I think Bali में last vlog बनाया था, उसके बाद आज हम Bangalore जा रहे हैं and I thought to vlog today. So it's gonna be 4 days का trip and Bangalore से हम और कहीं भी जा रहे हैं. It's very easy to guess. 5 बज रहे अभी. Also our bags are packed. Let's go. बेंगलोर में साउथ इंडियन खाने के लिए पिछले 3 दिनों से मैं उपवास पर हूँ गाइस, आप लोगों को बता दूं. व्लॉग के स्टार्ट में अगर ये जानकारी दे दी जाए तो अच्छा है. कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, ओके, लेट्स गो. अभी भी यूज़ नहीं करते हो तो कर दो शुरू, क्योंकि इट्स सुपर क्विक. इतने फटाफट एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं ना, अगर आपके पास बैगेज नहीं है तब तो और क्विक. मतलब हम 10 मिनट में हम अंदर आ गए, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया, अब हम गेट के सामने बैठे हैं. मतलब आप समझो कि मैं अगर कहीं बाहर गया हूँ, मैं अपने खुद के घर जाता हूँ, बेल बजाता हूँ, जितनी देर में ये आती है ना उससे कम टाइम लगता है आपको गेट से यहाँ आने में. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. नाराज हो गई थी. गाइज आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बट प्रॉपर बैंगलोर ऐसे ट्रांजिट किया है मैंने, बट कभी मैं बैंगलोर आई नहीं हूँ इससे पहले. इतना ट्रेवल किया, पता नहीं क्यों बैंगलोर आना हुआ नहीं कभी भी. एक बार आया हूँ मैं, फॉर मी इट्स अ फर्स्ट टाइम. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई न्यू फूड, लाइक साउथ इंडियन फूड हियर, बिकॉज आप लोगों को पता है, जो लोग पहले से जानते हैं, आई लव सो मच. अभी बाहर निकलते ही कुछ तो खाते हैं हम. दो फ्लाइट में थोड़ा सा खाया था बट स्टिल मन कर रहा है. और नए वाले एयरपोर्ट में हम लैंड हुए हैं तो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स भी. खाने ही तो आए हैं हम, और क्या हम और काम क्या है, और क्या करना है. यस जा रहे हैं विद्यार्थी भवन खाने के लिए. साउथ इंडियन खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं विद्यार्थी भवन. यस, हमने रिकमेंडेशन के लिए लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे एंड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशंस दीजिए, तो वी थॉट कि विद्यार्थी भवन हमारे होटल से थोड़ा पास है, फिर उसके बाद वहाँ पे नाश्ता करके विल गो टू आवर होटल. विद्यार्थी भवन में नाश्ता कर लिया, उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू आवर होटल और हम ऑटो से जा रहे हैं. नाश्ता हमने किया, सो गुड, मतलब डोसा वाज द बेस्ट. हमको लगा कि वहाँ पे जो भीड़ है वो इतने लोग क्यों खड़े हैं, लेकिन जब हमने खाया तो फिर हमको पता चला कि वो लोग क्यों खड़े. एग्जैक्टली. सो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू बैंगलोर, डू विजिट टू विद्यार्थी भवन. हाँ जी एवरीबॉडी, सो हम आ गए थे होटल और वी आर स्टेइंग हियर एट ब्लूम होटल. कौन सा एरिया है ये? रिचमोंड रोड. यस, हम यहाँ पर रुक रहे हैं और हम आके ना थोड़ी देर सो गए थे, दोनों सुबह जल्दी उठे हुए थे तो बहुत ऐसे थक गए थे. बाय द वे सी, हम जल्दी आए, इधर हमारा आउटफिट देखो गाइस, पूरा नहीं दिख रहा होगा बट यस
अरे वाह, क्या हुआ थे पति? मैं जब इसके साथ खड़े रहता हूँ ना, इसको कोई देखता ही नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा दूर हो गया। मैं बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स मुझे फील होता है मेरे पति के साथ खड़े रहने में। बाय द वे गाइस, वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स, जिनसे हम मतलब बिजनेस फ्रेंड्स बोल सकते हो। यस, वो सब बाद में, बाकी अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, चलते हैं, लेट्स गो। 15 मिनट्स लेटर। यस एवरीबॉडी, सो हम हमारे फ्रेंड से मिलने आए हैं एंड वी आर हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड सोडा वाटर ओनर वाला। साउंड्स इंटरेस्टिंग, नाम इतना अच्छा है। अभी अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, विल सी। वैसे हमें पता चला है काफी अच्छा है, रिनोन है, पॉपुलर है, सो लेट्स गो इन। Much, much later. Guys, हम Birkenstock आ गए इसकी शॉपिंग करने। Finally, आप Birkenstock ले रहे हैं। ले रहे हैं, अभी पंडित जी को भेजा है। 6:25 का मुहूर्त दिया है, देखता हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है हम लोगों को। The next day. Hello ji, a very good morning. It's day 2 in Bangalore. हम कल शाम को वापस आके क्या कर रहे थे? मतलब हाँ, हम कल उन लोगों से मिले, शुभम और साहिल से, उसके बाद हम थोड़ा ऐसे वॉक कर रहे थे अराउंड, कौन सा रोड है वो? ब्रिगेड रोड। यस, उस रोड के अराउंड हम थोड़ा वॉक कर रहे थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड वाला माहौल था एकदम, बट फिर ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, वापस आए, बहुत थक गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ली थी, इसलिए फिर हम आके सो गए थे चश्मे में, ग्रीन लाइट आ रही। हाँ, अभी दोनों पति पत्नी रेडी हैं, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रामेश्वरम कैफे। रामेश्वरम कैफे का हाइप देखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इज इट वर्थ द हाइप और नॉट, वो हम देखने जा रहे हैं, आपको भी बताएंगे कि कैसा है, हमें कैसा लगा पर्सनली। उसके बाद मुझे आज लंच करना है नागार्जुना, आंध्रा, प्रॉपर आंध्रा मील खाना है, बहुत लोगों ने बोला है वहाँ जरूर जाना, वहाँ लंच करेंगे एंड देन वी गोना मीट वन ऑफ द क्रिएटर स्वाति, उससे मिलना है, शी लिव्स इन बैंगलोर, तो उससे भी मिलेंगे एंड दिस इज अवर रूम। बाय द वे गाइज, मैं आपको फटाक से दिखाती हूँ, थोड़ा मैस है बट देखो ये होटल हमें अच्छी लग रही है। ओके गाइज, तो हम रुके हुए हैं ब्लूम होटल में, ये शायद ये वाली जो प्रॉपर्टी है रिचमोंड रोड पे है, ये नई है और बेसिक सारी अमेनिटीज है रूम में, क्लीन है, वेरी नाइस, नया नया सब कुछ, तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा हमें एंड यहाँ से व्यू कुछ खास नहीं है बट एकदम मेन रोड पे अच्छी जगह पे है। क्यों सागर? यस, बहुत ऐसे वॉकेबल डिस्टेंस है सब जगह, मेन जो रोड है यहाँ पे, हाँ, ब्रिगेड रोड है, चर्च स्ट्रीट यस, चर्च स्ट्रीट भी पास है, यहाँ से ऐसे वॉकेबल है, यूबी सिटी मॉल है, वॉकेबल है। हाँ, तो होटल में रहना ही कितना था हमें, तो हमने बस ये बुक कर लिया, इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड गुड, थम्स अप, लेट्स गो नाउ। तो गाइज, फाइनली हम रामेश्वरम कैफे आ गए, बट यहाँ पे बैठने बैठने का नहीं है स्पेस, तो हमने ऑर्डर किया है घी पोड़ी इडली और है ये घी पोड़ी मसाला डोसा। घी पोड़ी मसाला, लेट्स सी इज इट वर्थ द हाइप, बताता है आपको खा के। लुक्स यम बाय द वे, घी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ऑब्वियसली, क्रिस्पी डोसा एकदम, लेट्स सी गेट गाइज। सो हमारा जो वो है, क्या है, निर्णय जो बना आफ्टर रामेश्वरम कैफे, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, जितना वो अमाउंट मतलब जो चार्ज कर रहे हैं, लाइक 130 फॉर घी, 120 फॉर घी पोड़ी डोसा एंड काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज, खाना भी अच्छा है, मतलब ऐसे जो हाइप है रामेश्वरम कैफे की, वो ऐसे वर्थ है, बट हमको तो अच्छा लगा। तो जो लोगों को घी नहीं पसंद है वो प्लेन मसाला डोसा ले सकते हैं, बट इट्स नाइस एंड फ्लफी एंड मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बस यही कि बैठ के नहीं खाया, तो मुझे ऐसे बैठ के जब तक कुछ ना खाओ मुझे ऐसे पेट भरा भरा सा नहीं लगता। तो वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस नियर बाय फिल्टर कॉफ़ी बार समथिंग, वहाँ पर हम फिल्टर कॉफ़ी आराम से कॉफ़ी पीते चल के और या बताते हैं वहाँ पर वो कैसा है, क्योंकि रिव्यूज में तो अच्छा दिख रहा है, बट रामेश्वरम इज आना चाहिए, अच्छा है, वर्थ। सो गाइज, हमें फाइनली सीट मिल गई है द फिल्टर कॉफ़ी में और हमने ऑर्डर किए 2 फिल्टर कॉफ़ी और 1 डोसा, यहाँ पे बहुत वेटिंग है, बहुत ज़्यादा, ऐसे बैठने की जगह है, बहुत बहुत सही है, खाना देखते हैं आता है तो बताते हैं आपको, मस्त
सर हो गई चटनी। केले के पत्ते में खाने का मजा ही अलग है दोस्तों। आप लोगों ने इतने सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें से हम अभी सिर्फ तीन जगह ही जा पाए हैं। और नागार्जुना हम लंच के लिए जाएंगे, जो कि हमारे होटल से काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है। और अब हम चल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इतना खा लिया है और वेदर इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है यार। मतलब मुझे कल से, हम जब से आए हैं तब से हम दोनों को ऐसे पसीना नहीं आया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग मुझे लगता है मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। और अहमदाबाद में ऐसे पसीने टपकते रहते हैं हमारे, और यहाँ पे बिल्कुल स्वेट नहीं आ रहा है और एकदम मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है आ हा हा कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए, और कल हम दूसरी जन्नत जाने वाले हैं। मस्त जोक मारा रहे ए राजू, हंस रहे, हंस हंस हंस। One hour later. So guys, it's 1:30 right now and we are going to Nagarjuna. Yes, for lunch. करने के लिए जा रहे हैं साउथ इंडियन ऐसे प्रॉपर आंध्र स्टाइल प्रॉपर केले के पत्ते पे एकदम अच्छा। नहीं तो आए हैं अभी ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है यार, वीकेंड है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। सॉरी गाइस, मेरा ग्रामर थोड़ा डामाडोल, मेरी ग्रामर थोड़ी सी डामाडोल रहती है, जिसको ये करेक्ट करते रहते हैं। और बस अभी हम जा रहे हैं पैदल ही चल के होटल से, तो वी गोना हैव लंच एंड देन उसके बाद हम जाने वाले हैं। हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जो बड़े प्यार से हमको डीएम किया था, जिन्होंने कि मिलते हैं, तो हमने सोचा चलो मिल लेते हैं। हमारे पास दो टाइम थोड़ा कम है इस बारी, पर हमने सोचा कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही मिल लेते हैं उनसे। वो बैंगलोर में रहते हैं और काफ़ी दूर से ट्रैवल करके हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग, बट सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आधा घंटा 20 से 25 मिनट उतने की वेटिंग थी यहाँ पे, और क्या क्रेजी भीड़ है। एक चीज़ है कि बैंगलोर में हर जगह कहीं पे भी चले जाओ, मतलब हम सुबह नाश्ता करने गए थे वहाँ पे भी इतना ज़्यादा वेटिंग, और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है पूरा बैंगलोर बाहर ही खाना खा रहा है। प्यारी समझ गई। गाइस हमारी थाली आ गई, उससे पहले कि हम एकदम ऐसे आक्रमण करूँ मैं बता देती हूँ आपको, ये दही है, आई थिंक ये पायसम है, मीठा है, दाल है, रसम है, और ये प्लेन दाल है, दिस इज़ बटर मिल्क, एक मिक्स वेज पालक दाल एंड अवियल है शायद ये, यस, और पापड़म एंड राइस। एंड सागर खा रहे हैं वेज बिरयानी। हम लोगों ने इसलिए मंगाया है, थोड़ा वैरायटी हो जाएगा। यस, साथ में शेयर करेंगे हम दोनों। तो शादी में पंडित जी ने बोला भी था। A few inches later, guys, लंच करके हम आ गए हैं कबन पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और हम जैसा बता रहे थे हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं जो चाह रहे थे मिलना, तो बस हमने यहीं पे यही स्पॉट रखा है। एंड 3:30 कहा था हमने, हम 3:30 से थोड़ा पहले आ गए, यहाँ बैठते हैं, हाँ यहाँ पर मिलते हैं सबसे। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा पार्क है यार, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, ग्रीन पूरा, हाँ, बड़े बड़े पेड़, पुराने पेड़, यस, देखो। हाय गाइस, सो जैसा मैंने आपको बताया था, हमसे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं, तो दे आर आवर फॉलोअर्स, और काफ़ी और प्रेरणा से इसमें से तो हम एक से एक बार और कोलकाता में भी मिल चुके हैं, सो सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, सो जस्ट इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं। हाय गाइस, आई एम प्रेरणा। हाय, आई एम आकांक्षा। हाय गाइस, आई एम तेजेश। एंड यू?
इज द बिगेस्ट फॉलोअर. ये ऑल द वे अहमदाबाद से आया मुझसे मिलने. ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद. वेरी एक्साइटेड टू मीट हिमानी. वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइज. आप लोग इतने दूर से टाइम निकाल के हमसे मिलने. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइज मीटअप करके हम वापस जा रहे हैं अभी दूसरे स्पॉट पे. वी आर गोइंग टू डीवाईयू कैफे जहाँ पर हम स्वाति से मिलने जा रहे हैं. शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं. मेरी ऐसे इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली हमारी क्रिएटर्स की बातें होती रहती है. तो हम बैंगलोर में ही हैं तो उसने बोला हे लेट्स मीट. तो बस अभी उसी से मिलने जा रहे हैं. वो ऑलरेडी पहुंच गई है, हमारा वेट कर रही है. और सागर को लेट होना बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसा. हम इसको ज़्यादा पर मुझे भी नहीं अच्छा लगता किसी को वेट करवाना. बट वी आर गोइंग. मैं क्या है कि इंटरनेशनल पर्सनलिटीज के साथ में मेरी मीटिंग्स होती है तो टाइम पर रहना मुझे पसंद है. दा, 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 दा. So guys, बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ ना तो बहुत ऐसे आदत में नहीं रहा है ब्लॉग करना. मैं एकदम भूल गई. और दूसरी चीज़ इसलिए भी भूल गई क्योंकि स्वाति इज़ अ क्रिएटर और जब क्रिएटर क्रिएटर मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं. और उन सब के बीच में मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा ब्लॉग करना. बट आई विल पुट अ पिक्चर हियर एंड उसका यूट्यूब चैनल का लिंक भी डालूंगी इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग हर. सो यू कैन चेक हर चैनल आउट. और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ये वाला व्लॉग एंड करते हैं. कल हम कुर्ग जा रहे हैं. उसका व्लॉग अलग से आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखेगा चैनल पे. सो वो हम कल व्लॉग करेंगे. अभी के लिए एंड दिस वीडियो. बाय द वे उससे पहले आपको मैं ये दिखा देती हूँ. वी गॉट अ नाइस गिफ्ट फ्रॉम आकांक्षा. आकांक्षा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग थैंक यू सो मच. सागर ने जस्ट अभी ओपन किया है. बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये. एंड थैंक यू सो मच. हम इसको अपने घर पे लगाएंगे. यस, उसका भी हम आपको पिक्चर जरूर भेजेंगे. ब्लॉग भी डालेंगे. यस यस, बिकॉज हमारा होम टूर अभी तक पेंडिंग है. सागर एकदम कंप्लीट अच्छा वाला होम टूर वीडियो हमें बनाना है. वो गाड़ी बनवाने के लिए गाड़ी बन के आ जाए उसके बाद टूर होम टूर देंगे. गजब बेइज्जती है. इस वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. और इस चैनल पे इतने सालों से जुड़े रहने के लिए उससे भी बहुत बड़ा धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. हमारा भी बस खत्म हो गया है दिन. अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे. थैंक यू गाइस.